भारत ने यहां म्यांमार से जुड़ने के लिए, म्यांमार के करीब कनेक्टिविटी के लिए मोरेह करके यहां पर बॉर्डर में एक जगह है, उस मोरेह तक अपना रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया है। और आप जानते हैं हल्दिया से चिटगांव तक जो इंटरनेशनल वाटरवे है उसको डेवलप करने में, बांग्लादेश के साथ संपर्क के नए आयाम स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा है। इस तरीके से बांग्लादेश और म्यांमार के लिए, और यहाँ पर भूटान में एक बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, और इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द वहां की इकोनॉमी और वहां बिजली की सप्लाई उसके इर्द गिर्द घूमेगी। और इस तरीके से भूटान के साथ अपने संबंध नेपाल से, न सिर्फ रक्सौल से लेकर अंदर काठमांडू तक, बल्कि और भी कई रेलवे ट्रैक और सड़क मार्ग विकसित करने की वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और आप जानते हैं श्रीलंका को भी $1.5 अरब दिए गए हैं, और $8 अरब क्योंकि चाइना की तरफ से दिए गए हैं। जाहिर है चाइना इसी सब में लगा हुआ है और उसने पहले से ये सब किया हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान अब उसको समझते हुए कैसे उन देशों को कर्ज के मकड़ जाल से निकालना है उसकी कोशिश कर रहा है। और आप जानते हैं कि श्रीलंका में भी अब इस बात को पहचाना जाने लगा है, वहां की जनता के दबाव की वजह से वहां की जो सरकारी मशीनरी है वो भी ये समझने लगी है। और हिंदुस्तान न सिर्फ इनको डेवलप करने के लिए पैसे दे रहा है, इनकी मदद कर रहा है, बल्कि अगर श्रीलंका ने यह कहा कि अभी आपका कर्ज लौटाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो यह चीन जैसा नहीं कि उसने पूरे के पूरे एक पोर्ट को कब्जा कर लिया, बल्कि उसने ये किया कि आप डिलेड पेमेंट कर दें या करेंसी स्वैप के जरिए भी अगर आप हमारा कर्ज लौटा सकते हैं तो लौटाएं। हिंदुस्तान इन जगहों को डेवलप करने के लिए अभी जैसे 2014 से 2018 तक जहां भी विकास की परियोजनाएं हैं इसमें $1.5 अरब अभी तक खर्च किए जा चुके हैं, और आने वाले दिनों में इसको और इसमें तेजी लाने की कोशिश की जाएगी। अगर कोविड की वजह से इकोनॉमी पर इस तरह का इंपैक्ट नहीं हुआ होता तो जाहिर है हिंदुस्तान बहुत पहले से अब ये भांप रहा है कि चीन के इरादे क्या हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान कर रहा है, क्या उसको वक्त पर पहुंचाया गया, पहचाना गया, और क्या उसके लिए जो किया जाना चाहिए वो वक्त रहते पर्याप्त किया जा रहा है क्या? You Stop 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।